किसी किसी इंसान को भगवान भी अपने घर से बाहर निकाल देता है, तब उस किसान के बोर में धूल ही धूल होती है। इतना बात कंठस्थ है। मान लो सपोज एक किसान के खेत में पानी निकल रही, दूसरे के में नहीं निकल रही, निकाल निकाल के थक गया लेकिन निकल नहीं रही है, बार बार धूल उड़ रही है, धूल ऊपर धूल उड़ रही है, ऊपर नीचे सब तरफ कई किलोमीटर तक धूल ही धूल उड़ती है, फिर भी पानी नहीं निकलता। बिल्कुल यही है, बिल्कुल सत्य बात है। चाहे तुम दुनिया के किसी पंडित को बुला ले, या किसी पानी जांच करने वाला, चाहे शुक्राचार्य को बुला ले, चाहे द्रोणाचार्य को बुला ले, पानी नहीं निकल रही है। कारण उसका कर्म है। कुछ लोगों का कर्म हमेशा अधर्म की ओर रहता है, कुछ लोगों की नियत हमेशा कुदृष्टि की ओर रहती है, कुछ लोगों का मन हमेशा पाप कर्म करने में डूबा रहता है। भले वो चार लोगों की नजरें में धनी मानी गौटिया निगोटिया दुनिया भर का सब रहेंगे, लेकिन हकीकत यही है उन लोगों के कर्म सही नहीं होती है। इसीलिए वाले ऊपर वाले भी लात मार के अपने घर से निकाल दिए रहते हैं, और वो उनको ना जब तक वो उनका हिसाब किताब बराबर नहीं कर लेगा तब तक उसके बोर में पानी नहीं निकलता। क्या दुनिया के किसी भी चेकर को बुला लो, मैं सीधा सीधा बोल दिया भाई, मैं अभी तक देखा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं किसी को मार मुसेट के दबोच के छल से दुनिया भर के जमीन जायदाद सके लिए हैं, है ना भाई, धोखा दे दे के। अब उनके निकलने का समय आ गया है, दौलत जाने का समय आ गया है, बर्बादी का समय आ गया है, तो उनके खेत में पानी नहीं निकलेगा। जिसको बर्बाद होना है उनके खेत में पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि ऊपर वाले का इंसाफ है। इस बात को याद रख लेना, ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया है, इसको अब लात मार के निकाल दिया है तो कहाँ से पानी निकलेगा। चाहे किसी पंडित को बुला लो, बड़े बड़े विद्वान को बुला लो, पंडित भी क्या करेगा, आएगा पूजा पाठ करेगा जाएगा, है ना। क्या किसी पापी की पाप को क्या पुण्य में बदल देगा, नहीं करेगा। ओ मंगलम भगवान भी सुनो दुनिया भर का वो मंत्र पढ़ेगा चला जाएगा अपना काम करके, लेकिन क्या उसका पाप पुण्य में बदल जाएगा, कभी नहीं। किसी द्रोणाचार्य शुक्राचार्य को भी बुला लो, किसी का किया हुआ कर्म का फल को वो मिटा नहीं सकता, कर्म का फल खुद भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कई लोग पापी अधर्मी दुराचारी नाना प्रकार के सब होते हैं ना, उनको ऊपर वाले सबक सिखाने के लिए छोड़ देते हैं। बेटा जब तक तेरा होश ठिकाना नहीं आएगा, अच्छा दुनिया का कोई भी अच्छा सच्चा काम हाथ में ले ले, फलित नहीं होगा। यही कारण है कि बोर में बार 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 दूर दूर तक धूल उड़ती दिखाई देती है, कारण यही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी किसी को भगवान लात मार के अपने घर के से बाहर निकाल दिया है, और किसी की बोर में बार बार बोर कराने के बावजूद भी धूल उड़ रही तो समझ लेना अभी इनका बुरा वक्त चल रहा है, और इनका बुरा वक्त तब तक चलेगा जब तक इनका हिसाब किताब ऊपर वाले ना कर दें। इसलिए सुनाई देता है ना, मैं अपनी वीडियो में ही बताता हूँ, किसी का 50 बोर हो गया है नहीं निकल रही है, ऊपर वाले इतना उससे गुस्सा है, बिल्कुल छोड़ दिया है उसको, बूंद भी नहीं निकलती है। दो बूंद जिंदगी के बोलते हैं ना, वो भी नहीं निकलती है। दो बूंद ड्रॉप्स के पिलाते उतने लायक भी नहीं निकलती है, तो ऊपर वाले की दया दृष्टि नहीं है, ये बात सत्य है, मान लेना। सपोज जैसे कि अंग्रेजी में गणित बनाते थे ना, सपोज माना कि मान लेना, और यह हकीकत भी है, जो हकीकत है स्वीकार कर लिए तो मानने की जरूरत नहीं है, जो स्वीकार नहीं किया लोग मान लेना, पक्का बता रहा हूँ। पापी अधर्मी कुकर्मी सकल कर्मी नियत खो लोगों के बोर में पानी नहीं निकलता, धूल उड़ रही है समझ जाना कि इनका क्या है, ये रेला देना, हिसाब किताब ऊपर वाले इनसे रूठता है समझ जाना। इसीलिए मैं पहले पूछता हूँ, सबसे पहले पूछता हूँ कितने बोर में धूल उड़ी है, यही मेरा पैमाना है, ऊपर वाले के इनके ऊपर है कृपा की नहीं है, दया दृष्टि दिखाने का समय आया है कि नहीं आया है ना भाई। मैं फ्रेश लोगों के पास क्यों ज्यादा जाता हूँ, कारण यही है। ड्राई से ड्राई एरिया में भी जाता हूँ, लेकिन पूछ के जाता हूँ कि पापी है कि अधर्मी है कि कुकर्मी है कि सकल कर्मी है कि नियत हो रहा है क्या, यही तो पैमाना है। किसी को थोड़े जानोगे, अब बोलेगा कि यहाँ पानी नहीं है, बोर करा रहे हैं नहीं निकल रहे, पानी नहीं है तो धूल उड़ गई है,
पापी अधर्मी लोगों के, चाहे वहाँ पर अच्छे से अच्छा चेकर चले जाओ, बड़ा से बढ़िया नारियल उठेगा, राड़ भी घूमेगा, सरसर सरसर मशीन में भी फाय फाय बताएगा, लेकिन पानी नहीं निकलता। क्यों? ऊपर वाले चाबुक चला रहा है, गंगा मैया की कृपा नहीं है, रामेश्वरी मैया की कृपा नहीं है, तो कहाँ से पानी निकलेगा रे भैया। तो जान लेना, ऐसे लोग अपने कर्म को सुधार लेना, जिनके खेत में बार 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 धूल उड़ी ना, समझ जाना कर्म ठीक नहीं है। आत्मचिंतन करना, मनन करना, और जो पाप कर्म किए उसे सुधार लेना भाई। सुधार गया तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अच्छा से दान दक्षिणा देना तब निकलेगा। यहाँ तो 5 HP का भी पानी निकाल दोगे तो 1 T-shirt भी नहीं देते भाई, 1 रूमाल भी नहीं देते भाई, मुंह पोछने के लायक, भले पसीना में लथपथ हो जाते। ये ऐसा कंडीशन, इसलिए ऊपर वाले सबक सिखाता है, देता सरपट 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 तक सुधरते हैं। तो ऊपर वाले जब तक इसको गन्ने की तरह नहीं छोड़ देगा तब तक पानी नहीं निकलता। इसलिए मैं बोलता किसी की बोर में धूल उड़ गई, हाँ भैया क्या के थोड़ा से संतामा दिला दो, खसक जाओ वहां से, जान जाना कि ये ऐसा कंडीशन है भाई। हमें वीडियो देखकर ऐसे लोगों के ना दिमाग में खतरनाक खून खोलेगा, पक्का बता रहा हूँ। जले में नमक छिड़कने जैसा रहता है मेरा वीडियो, लेकिन सच बात बोल रहा हूँ। कभी भी याद रखना, कभी भी अकासुर, बकासुर, महिषासुर, समरासुर और झरतीझारा नरकासुर, इन लोगों के खेत में पानी नहीं निकलता। भगवान कभी भी इन लोगों को राजगद्दी नहीं सौंपता। कभी कभार धोखे से मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों को सौंपना नहीं चाहिए, मेरा भी मानना है, मेरा भी मत है। जब भी राज सिंहासन मिले तो राम को मिले, कृष्ण को मिले, भक्त प्रहलाद को मिले, है ना भाई। ये अकासुर बकासुर नरकासुर स्वभाव, ये नियत खोर, और उस समय ये नियत खोर वाला नहीं था, क्योंकि उस समय अप्सरा थी, ऐसे कर देते ना तो जल के भस्म हो जाता। लेकिन आज का नियत खोर लोगों को कुछ कहा नहीं जा सकता, नजर पर ये एक नया चैप्टर जुड़ गया, नियत खोर लोगों, ऐसे लोगों के तो पानी नहीं निकलता। कई लोग भीतर घाती रहते हैं, भाई का भाई बंटवारा छीन लेते हैं, भाई का बीवी छीन लेते हैं, ज्यादा बोल दिया क्या, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए ना, भाई की बीवी के साथ भी, भाई की बीवी के साथ भी, तो इसके उसके साथ दुनिया भर के क्या आजकल एकदम खिचड़ी बना के रखे ना। ऐसे लोगों के हाथ गंदे रहते हैं, खून से सने रहते हैं, किसी का मर्डर करेगा तभी जानोगे खून से सना, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों की मन भी गंदा, तन भी गंदा, हाथ भी गंदा, ऐसे लोग जाके नारियल तोड़ेंगे, शुभ काम करेंगे तो पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई, निकलना भी नहीं चाहिए। बोल गंगा मैया की, नहीं निकलना चाहिए भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको, अच्छा कर्म करो, भागीरथी से ही पानी निकलता है भाई, याद रख लेना। पानी को आसान काम नहीं है निकालना आज के डेट में, ये कलयुग है। भागीरथी बन के ना गंगा मैया के शरण में जाओ, रामेश्वरी मैया के शरण में जाओ, उनसे कृपा पाओ, सब पानी निकलेगा। नहीं तो भाई भुगत जाओगे, नहीं निकलेगा। कर्म सुधार के जाओ, छोटा बन के जाओ। किसी भी पानी जांच करने वाले के पास जाते तो छोटे बन के जाओ, यहाँ तो शेर बन के जाते, इसलिए धूल उड़ती है, शेर खा नहीं चलता। इसे विनम्रता पूर्वक जाओ, कर्म सुधारो। मेरे कहने का सार यही है कि कर्म सुधार लो। कर्म नहीं सुधारोगे तो पानी नहीं निकलेगा, अच्छा कर्म करो तब निकलेगा भाई। अब पानी तब तक नहीं निकलेगा, यू बताओ ऊपर वाले के सरपट सरपट चल रहा है तब तक नहीं निकलेगा। बोर में धूल ऊपर, धूल ऊपर, धूल ऊपर, धूल उड़े ही मतलब जहां ऊपर वाले सरपट सरपट कमर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक चल रहा है, और जब तक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक की सोटाई नहीं हो जाएगी ना, तब तक धूल उड़ती रहेगी। जब उनका चैप्टर समाप्त हो जाएगा ना ऊपर वाले का, कोर्स पूरा हो जाएगा, ड्यू पूरी हो जाएगी, तब पानी निकलेगा भाई। मेरी वीडियो में यदि शब्द चयन गलत हो तो गलत थी सही, लेकिन यार आप लोग तो अच्छे कर्म कर लो, मेरे शब्दों के चयन में मत जाना भाई, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जो मन में आता बोल देता हूँ, जो दुनिया में देखता हूँ वो बोल देता हूँ, और बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ आज, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, जी भर के बोल रहा हूँ, मन हो रहा है और ज्यादा बोलो, लेकिन मेरी भी एक लिमिटेशन है, मोबाइल में जो शूटिंग हो रही है उसकी भी एक कैपेसिटी है ना भाई, वो भी हीटिंग शुरू हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। जा है ये, अच्छे से कर्म करो, कर्म को सुधारो, बुरा हो गया हो गया, लेकिन जब अच्छे काम करने जा रहे हो तो कर्म को सुधार के चलो, तब पानी निकलेगी भाई। मेरा वीडियो कैसा लगता है यार जरूर बताना, फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। जय श्री।